दोस्तों, रामायण काल की खूबसूरत महिलाओं के बारे में आप कितना जानते हैं? हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे चरित्रों का वर्णन है जिनकी खूबियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। ऐसे ही पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में महिलाओं की खूबसूरती को लेकर भी कई बातें प्रचलित हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रामायण काल की उन 5 खूबसूरत महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी चर्चा दोस्तों विश्व भर में की जाती है। तो आइए जानते हैं उन खूबसूरत महिलाओं के बारे में। दोस्तों, रामायण की पहली सबसे खूबसूरत महिला है देवी अहिल्या। अहिल्या की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। पौराणिक कथाओं की माने तो ब्रह्मा जी ने उर्वशी के अभिमान और अहंकार को तोड़ने के लिए सबसे सुंदर स्त्री अहिल्या की रचना की थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देवराज इंद्र उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और उन्होंने अहिल्या के पति ऋषि गौतम का रूप धारण करके छल से उसे हासिल करना चाहा। लेकिन जब इंद्र की सच्चाई सामने आई तब ऋषि ने श्राप से इंद्र को कुरूप बना दिया और इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां ही योनियां उगाई और अहिल्या को एक पाषाण शिला में बदल दिया। बाद में प्रभु श्री राम के स्पर्श से देवी अहिल्या फिर से खूबसूरत महिला बन जाती है। दोस्तों, रामायण की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला माता सीता थी। माता सीता की खूबसूरती की कहानियां पूरे विश्व में फैली हुई हैं। दोस्तों, माता सीता को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है और प्रभु श्री राम की पत्नी थी और जिनका अपहरण करके रावण ने लंका में कैद कर लिया था। बाद में दोस्तों रामायण का भीषण युद्ध हुआ और माता सीता को वापस घर लाया गया। दोस्तों, रामायण की तीसरी सबसे खूबसूरत महिला रावण की पत्नी मंदोदरी थी। रामायण में वर्णित सीता माता के मनमोहक सौंदर्य की तुलना में अगर कोई महिला थी तो वह सभी राक्षसों के स्वामी रावण की पत्नी थी। उसकी सुंदरता दानव जाति की किसी भी अन्य महिला से बेजोड़ थी और उस काल की वो सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। दरअसल यही एक वजह थी कि रावण ने उसे अपनी पटरानी बनाया था, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत महिला थी। रामायण की चौथी सबसे खूबसूरत महिला कैकई। कैकई को भी रामायण की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक की उपाधि मिली थी। वो राजा दशरथ की 3 पत्नियों में सबसे छोटी थी। उसकी खूबसूरती और हुनर को देखकर अयोध्या के महाराज प्रभु श्री राम के पिता दशरथ ने उन्हें अपनी रानी बनाया था। देवासुर संग्राम में कैकई ने दशरथ की राक्षसों से रक्षा की। तब महाराज ने उन्हें 3 वचन मांगने को कहा। आगे चलकर कैकई ने प्रभु श्री राम के वनवास के रूप में उनसे एक वचन मांगा और उसी वचन को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा। दोस्तों, रामायण की 5वीं सबसे खूबसूरत महिला थी तारा। हिंदू महाकाव्य रामायण में तारा किष्किंधा की रानी और वानर राज वाली की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध थी। तारा को रामायण में एक अप्सरा के रूप में वर्णित किया गया है जो दूध सागर के मंथन से निकली थी। ऐसा माना जाता है कि तारा असल में बाली के भाई सुग्रीव की पत्नी थी और बाली ने छल से उन्हें अपनी पत्नी बना लिया था। लेकिन जब प्रभु श्री राम के साथ वाली का युद्ध हुआ और उसकी मृत्यु हो गई तब सुग्रीव ने पुनः तारा को पत्नी बना लिया। दोस्तों, आपके अनुसार रामायण की सबसे खूबसूरत स्त्रियां कौन सी थी और आपको सबसे अधिक प्रिय कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, रामायण और महाभारत की ऐसी और कहानियां जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।